Good morning. This is Miss Amreen. Welcome to our online science class. Today I continue our third chapter, Housing and Clothing, Part Two: A Good House and a Clean House. In previous class, we have studied about types of houses. Today, in this class, we are going to learn about how the good house will be and how to keep a clean house. Add. हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि एक अच्छा हाउस किस तरह का होता है और उसे किस तरह से क्लीन रखा जाता है अस लर्न अबाउट ए गुड हाउस इट शुड हैव विंडोज़ टू अलाउ सनलाइट टू कम इनसाइड। सनलाइट इज़ गुड फॉर अस। इट कीप्स अ हाउस फ्री फ्रॉम जर्म्स। हमारे घर रोशनी वाले होनी चाहिए सनलाइट घर के विंडोज़ और डोर्स में से अंदर आनी चाहिए ताकि हम हमारे घर को जम से फ्री रख सके। इट शुड हैव ओपन स्पेसेस लाइक वरान्डास एंड बालकनीज टू लेट द फ्रेश एयर इन हमारे घरों में बालकनीज और बड़े विंडोज़ और खाली स्पेस होनी चाहिए ताकि हमारे घर में एयर आ सके और हम फ्रेश एयर को ब्रीथ कर सके। द विंडोज एंड डोर शुड बी

उसे एक पीप होल लगेवा रहना चाहिए ताकि हम अंदर से देख सके कि घर के बाहर कौन है इट शुड हैव प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हर घर में प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होना जरूरी है प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होने के कारण हमें कहीं सारे नुकसान पहुंच सकते हैं इट शुड हैव फ्रेश वाटर सप्लाई घरों में फ्रेश वाटर सप्लाई होना चाहिए अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा तो हमारे हेल्थ ख़राब हो सकती है प्रॉपर ड्रेनेज इज़ नेसेसरी फॉर ए गुड हाउस बिकॉज इट कैरीज़ अवे डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमारे घर का जो भी डर्टी वाटर है वो ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए बाहर निकलता है प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड द हाउस कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन हमारे घर के आसपास ट्रीज होना जरूरी है हमारे घर के आसपास हमें प्लांट्स लगानी चाहिए ताकि हम फ्रेश एयर को ब्रीथ कर सकें क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन यानी फ्रेश एयर को प्रोवाइड करते हैं नाउ लेटेस्ट लर्न अबाउट ए क्लीन हाउस ऑलवेज कीप योर हाउस क्लीन एंड टाइडी हमेशा हम घर को क्लीन रखना चाहिए घर छोटा हो या बड़ा घर को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हेल्थी रह सकें और इंसेक्ट्स और जर्म्स को स्प्रेड होने से रोक सकें फ्लोर्स ऑफ ऑल द रूम शुड बी मोप विथ क्लीन वाटर हमें डेली पूरे घर में फ्लोर्स को क्लीन वाटर से सफाई करनी चाहिए बाथरूम टॉयलेट किचन सिंक एंड वॉश बेसन शुड बी वॉश रेगुलरली वॉश बेसन किचन सिंक इन सारी चीजों को डेली वॉश करना चाहिए हमारा घर जितना क्लीन हो हम उतना जम्स को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं यूज डस्टबिन

Try to keep the house neat and clean.